अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ एक क्वेश्चन है, यानी फाइंड अर्थमेटिक हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। यानी यहाँ पे हम अर्थमेटिक हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे साथ, यानी a प्लस बी डिवाइड बाई टू। अर्थमेटिक मीन हमारे साथ यानी a प्लस बी डिवाइड बाई टू की बराबर है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो a वैल्यू हमारे साथ 3.14 की बराबर है, प्लस b वैल्यू हमारे साथ 2.71 की बराबर है, डिवाइड बाई टू। अब 3.142 प्लस 2.71 जमा करें और फिर डिवाइड बाय टू करें, तो ये हमारे साथ 5.85 की बराबर हो गया। यानी जब हमने 3.142 प्लस 2.71 को जमा किया तो ये हमारे साथ 5.85 की बराबर हो गया। अब हम टू पे डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह जब आप इसको टू पे डिवाइड करें तो ये हमारे साथ 2.925 की बराबर है। तो अर्थमेटिक मीन हमारे साथ 2.925 की बराबर हो गया। अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे साथ है, यानी h इक्वल टू 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। अब हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2.71 डिवाइड बाय 3.14 प्लस b वैल्यू हमारे साथ 2.71 है। तो हम ये तीनों मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 17.019 डिवाइड बाय, अब 3.14 प्लस 2.71 को जमा करें तो इससे आता है 5.9। अब 17.019 डिवाइड बाय 5.9 तो इससे आता है 2.91। यानी हार्मोनिक मीन हमारे साथ 2.91 की बराबर है। अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे साथ, यानी जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसी तरह जी इक्वल टू ए वैल्यू हमारे साथ 3.14 है अंडर रूट, बी वैल्यू हमारे साथ 2.71 है। तो जी इक्वल टू अंडर रूट 8.5094, यानी 3.14 मल्टीप्लाई 2.71 हमारे साथ 8.5094 की बराबर है। जब हम इसकी अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे साथ 2.971 की बराबर है। तो ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हो गया।